सो हेलो स्वप्निल सर, हेलो मैम। हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग आए हैं आपके सामने अपनी सीरीज लेके, बिल्कुल और जिसमें हम बात कराने वाले हैं आर्टिकल नंबर 5। फाइव मतलब टोटल 4 सीरीज आप लोगों के पास पहुंच चुकी हैं। जी, 4 आर्टिकल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल आज हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं और जो सीरीज और जो पैराग्राफ लेके आए हैं वहां से टोटल अगर इधर देखें, इधर 7-8 सालों में देखें तो 4 सवाल आए हुए हैं। बिल्कुल तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि 4 सवाल एक ही पेज से आए हैं, मतलब कि वो पेज इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते बिल्कुल हैं कौन सा पेज है एनसीईआरटी का जहां से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। जी तो सर वो पेज है हमारा 401 जी एनसीईआरटी में, 401 अमीन, हाँ अमीन एनसीईआरटी, क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 401। 401। तो ये 401 एनसीईआरटी हमारे 12th की सेकेंड पार्ट, जी जहां ऑर्गेनिक दी गई है, जहां अमीन दिया गया है, मतलब जी कि अमीन से ये पेज लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बिल्कुल बढ़िया बात है कि सर बहुत ढेर सारी नेमिंग रिएक्शन इस हाँ, चैप्टर में यही से मिलते हैं। आती है। तो पहली नेमिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन बन चुका है, कार्बिन दैट अमीन इज रिएक्शन बहुत फेमस है और हम लोग इसको बहुत उससे पढ़ाते हैं। सर इसी नीट तरह 2020 में आया, हाँ, ये आया है नीट नीट 2020 2020 में। कार्बिल अमीन में क्या करते हैं, कार्बिल अमीन में एक बढ़िया बात है जो आपको जी याद रखनी चाहिए बच्चों को। मुझे लगता है कार्बिल अमीन टेस्ट हाँ 12th लेवल से पढ़ाया जाता है कि कार्बिल अमीन टेस्ट क्या है या बिल्कुल आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है। तो ये टेस्ट हम लोग बेसिकली करवाते हैं प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के लिए। मान हाँ लीजिए आपके पास 3 अमीन है, आपको नहीं पता कि हाँ प्राइमरी अमीन कौन सी है, तो हम आइसोसाइनाइड टेस्ट करा बिल्कुल, सकते हैं। मतलब इस पे स्टेटमेंट वाला भी बन सकता है। अब बना है, जी जी बिल्कुल बना है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि चाहे वो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स हो या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हो, दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और इन बहुत ही पंजेंट सी, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है सर, हाँ और वो स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की। ये हमारा कार्बिल अमीन बनता है, और जो आइसोसाइनाइड लाइन इसको आपने बोलते बोली हैं। देखी लिखी भी है, यूज्ड एज अ हाँ टेस्ट ऑफ प्राइमरी प्राइमरी अमीन, अमीन्स, सिर्फ हम तो प्राइमरी ये अमीन बहुत को इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। इंपॉर्टेंट। और नीट में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन थे। अभी हम लोग क्वेश्चन भी दिखा देंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो सेकंड, मतलब पहला पैराग्राफ, जी पहले आर्टिकल, ये यहाँ पर दूसरा विद नाइट्रस एसिड। सर बहुत अच्छी बात है, ये नीट 2022, मतलब कि मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर का बिल्कुल PYQ है ये जी नीट 2022 का। और जी यहाँ से पहली बार बच्चों ने देखा, 2022 ऐसा सत्र था, ऐसा सेशन था जहां पर बच्चे चौंके और थोड़ा सा वहां पर उनको थोड़ी सा टफनेस भी लगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पहली बार 2022 में हाँ देखने को मिला। बिल्कुल तो पहले स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया गया था सर यहाँ से। यहाँ पर देखिए ए और बी दो सब पैराग्राफ दिए गए जी हैं, नाइट्रस एसिड के साथ अमीन्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, हाँ, और इन्हीं ए से बनाया गया पहला पैराग्राफ, और पहला बीस स्टेटमेंट, और हाँ बी से बनाया गया दूसरा दूसरा स्टेट स्टेटमेंट। और जी स्टेटमेंट था क्या, डायजोनियम सॉल्ट के लिए कहा कि प्राइमरी एलिफैटिक अगर अमीन लेते हैं, मतलब एलिफैटिक अगर हाँ हमने लिया और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। और बच्चों के लिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ उन वर्ड्स को कि जल्दी से फटाफट बिना टाइम गवाए वहीं पर देखें जहां हम उनको बताना चाहते हैं। और उससे बना टू फॉर्म एलिफैटिक डाइजोनियम हाँ, सॉल्ट। अब वहां पर देखिए क्या था लिखा, कि अनस्टेबल था कि नहीं था। हाँ तो डायजोनियम सॉल्ट जो बना वो हाईली अनस्टेबल था, तुरंत बदल जाता है अमीन से किसमें, अल्कोहल में बदल जाता है। तो जी यहां पर अल्कोहल बन चुका था, यहां पर अल्कोहल बन चुका था। तो बस 1 मिनट, हम कर रहे हैं। तो यहां पर ये अल्कोहल की प्रिपरेशन देता है, ठीक जी बात है। अब वहीं पर हम एलिफेटिक छोड़ के एरोमेटिक की बात करें, अगर हम एरोमेटिक की एरोमेटिक बात अमीन्स की करें बात करें तो यहां पर जो एरोमेटिक है वो क्या बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। इधर एरोमेटिक की बात करें तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। यही पूछा गया कि क्या डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, यस बिल्कुल डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। और बहुत बढ़िया बात यह है कि डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट सर ऐसा कंपाउंड है जहां से हम हर तरह का कंपाउंड बना सकते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, जरा ध्यान से सुनना, मेरे क्वेश्चन और आपका आंसर इसी में छिपा हुआ है। मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है और मैंने उसको एथेनॉल के साथ या फिर मैंने किसी एसिड के साथ, जैसे H3PO2 मैंने करवाया रिएक्शन, तो मुझे मिल जाती है बेंजीन। बिल्कुल तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, मतलब डाइजोनियम से हमने बनाया हाइड्रोकार्बन। अब जरा सर ध्यान से सुनना, सिर्फ इसको हम बॉइल कर दें तो हमें मिल जाता है फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने पढ़ा। बिल्कुल कुल अगर हम मिलाकर इसमें, इसका यूज बहुत है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें सैंडमेयर रिएक्शन, जी मुझे मिल जाते हैं अल्काइल हैलाइड। और हाँ गैटरमैन रिएक्शन करवा दें तो भी मुझे मिल जाता है अल्काइल हैलाइड। जी एक है हाइड्रो फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड से हम बना सकते हैं अल्काइल फ्लोराइड्स। जी
और केआई के साथ रिएक्ट कराने डायरेक्ट, तो ये आयोडोबेंजीन बना देगा। मतलब कि यहाँ पर हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, है ना, यहाँ से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल, है ना, केसीएन से साथ रिएक्शन करवा दें तो CuCN नाइट्राइल्स बना देगा। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां बहुत इजीली हम किसी भी कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में जी, बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ सर जी। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा जो आर्टिकल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नेम और फॉर्मूला और इसकी हाँ, जो रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कराते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इस बार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा जी। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सल्फोनामाइड क्लास एक ड्रग आई थी जी। तो वहां पर सबसे पहली बार सल्फोनामाइड हम लोगों ने दिखाया, तो वही सल्फोनामाइड फॉर्मेशन हो रही है। ये सल्फोनामाइड RONH यहाँ पर ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हमने ड्रग भी पढ़ी है। यहाँ पर ये जैसे हमने कार्बिल अमीन पढ़ा, तो कार्बिल अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर अमीन है तो सिर्फ 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करती थी जी। लेकिन हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के साथ रिएक्ट करता है और 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब कि डिस्टिंग्विश का बड़ा बढ़िया मेथड कि मेरे पास मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और मुझे यहाँ से खोजना हो कि 3 डिग्री कौन सा है, और हम लोगों ने इस पे सवाल भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल सर, तो एक बार यहाँ पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये पूछा गया नीट 2021 में, यहाँ से हिंसबर्ग से पूछा गया नीट 2021 में, और हमारा एक ओडिशा नीट कराती है, ओडिशा नीट कराती है, ये भी पूछा 2019 में। मतलब बहुत ही आसपास के क्वेश्चन है, बहुत पहले के नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कहता है कि जब प्राइमरी अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर। क्या पूछा गया कि अगर प्राइमरी अमीन बना रहा है ये सल्फोनामाइड तो, और सोल्यूबल है एल्केन में, तो तय करता है कि ये हो जाएगा 1 डिग्री अगर सोल्यूबल है जी। अगर इनसोल्यूबल है तो ये करेक्टरिस्टिक होती है 2 डिग्री अमीन की, कि 2 डिग्री अमीन रिएक्ट तो करता है और फिर से एक सल्फोनामाइड क्लास बन रही है, लेकिन अगर अब हम इनमें क्या करें एल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये इनसॉल्युबल होता है। और यही डिस्टिंग्विश का मेथड भी है कि 1 डिग्री 2 डिग्री को हम कैसे पहचाने हिंसबर्ग से। तो एक सोल्यूबल एक इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री की बात करें चूंकि एसिडिक एच का काम होता है और 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होते हैं नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तीनों एल्काइल्स होते हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं, सल्फोनामाइड बनाता ही नहीं, तो 3 डिग्री क्या कह रहा है, डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनामाइड। बिल्कुल, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो इस तरह डिस्टिंक्शन का अच्छा मेथड है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये जो नेम्ड रिएक्शन हम लोगों ने देखी, कार्बिल अमीन रिएक्शन हम लोगों ने देखी है, हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोगों ने देखा है, और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड देखा है, इसी पेज की बात करते हैं, काफी सवाल बन चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो टेस्ट देते हो उसमें भी आप इनको कई बार देखते हो। बिल्कुल, एक लास्ट आर्टिकल है पेज नंबर 402 से, उसी के जस्ट बगल वाला पेज, यहां से हमने पूछा नाइट्रेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की नाइट्रेशन। यस, एनिलीन की नाइट्रेशन बहुत बार पूछी गई, क्यों, NH2 ग्रुप कैसा होता है सर, प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर है ये प्लस एम। अब प्लस एम क्या होते हैं सर, बहुत बढ़िया बात सुनिएगा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल घूमता हुआ है तो कहां लगेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा, आर्थो और पैरा पे। लेकिन फिर मेटा क्यों बन रहा है, फिर मेटा क्यों बन रहा है, अगर आर्थो पैरा की ज्यादा तो मेटा क्यों बन रहा है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ना, इट इज ड्यू टू एनिलीनियम आयन। क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में जब लोन पेयर रिंग में जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। तो जब हम लोग कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनिलीनियम आयन भी वहां पर बनता है, और चूंकि प्लस है और ये कैसा एक्ट करेगा, माइनस एम की तरह एक्ट करेगा, और माइनस एम कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए यहाँ पर मेटा वाला भी बनता है। और एक और शॉकिंग सी बात, मेटा बनता तो है लेकिन कितना परसेंटेज बनता है, आर्थो से ज्यादा या मेटा पैरा से ज्यादा, कैसा बनता ऐसा है, भी तो सवाल बन के आ सकता। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा पैरा क्योंकि मेजर है पैरा, ठीक, लेकिन उसके बाद लगता तो है कि आर्थो होना चाहिए, लेकिन मेटा देखा गया ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीनियम। जी बिल्कुल, तो एनिलीनियम आयन को बहुत अच्छे से स्टडी करना, एनिलीनियम आयन
की वजह से मेटा यहाँ पर बन रहा है, कितना परसेंटेज बन रहा है, तो ये सारी बातें आप देखकर जाएंगे इस पेज से। मतलब आज के लिए आपके लिए 401 एंड 402 आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। तो आज की सीरीज में हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी राइट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे गए। वैसे तो हमने बता दिए हैं, नीट 2021 में पूछा गया कि हिंसबर्ग रीजन, देखिए क्या डिजोल्व इन एल्कली, सर क्या लिखा हुआ है, डिजोल्व इन एल्कली, हाँ डिजोल्व इन एल्कली लिखा है। तो हमने बताया कि अगर घुल जाए तो 1 डिग्री और ना घुले तो 2 डिग्री और रिएक्ट ही ना करे तो 3 डिग्री अमीन रही होगी। तो बस यहाँ पर बच्चों को देखने में स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े से लग रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर खोजना है सर कौन सा 1 डिग्री है और कौन सा 2 डिग्री है। तो यहाँ पर 1 डिग्री का स्ट्रक्चर हमें एकदम सामने दिख रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि आया 2022 में, नीट 2022 में आया ये क्वेश्चन। और नीट 2022 में जब ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर स्टेट नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल सही था, अभी हम लोगों ने देखा। और इसके आगे हाइड्रोलिसिस करा दे तो ये बदल जाता था अल्कोहल में। जी अल्कोहल, अल्कोहल बना देगा। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। अब ये तो हो गया, ये स्टेटमेंट है, ये हो गया। अब यहाँ पर जी हाँ गलत स्टेटमेंट, बिल्कुल ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट, क्योंकि ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है विच इज स्टेबल। हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर डिसाइड करता है। बिल्कुल, कह रहा है इवन 300 के, नहीं इससे नीचे, अबव लिखा है। जी हाँ, तो एक स्टेटमेंट सही था, एक स्टेटमेंट गलत था। ऑप्शन बच्चे ढूंढ लेंगे, ऑप्शन ढूंढ लेंगे बच्चे। थर्ड में थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन हम तुमको बता देते हैं, कह रहा है कि कौन सा कार्बिल अमीन टेस्ट देंगे। और ये नीट 2020 में आया है। कौन सा कार्बिल अमीन टेस्ट देंगे, हमने सबसे पहले ही 401 पैराग्राफ की बात की, सबसे पहला आर्टिकल था कार्बिल अमीन, और कार्बिल अमीन से 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स के लिए होता है। तो यहाँ पर ढूंढ लेना है, यहाँ पर एनिलीन दिया गया है और एनिलीन 1 डिग्री हमारा अमीन है। नेक्स्ट, the amine which react with Hinsberg reagent to give an alkali insoluble, मतलब किसकी बात कर रहा है, 2 डिग्री अमीन की बात कर रहा है। और बस यहाँ पर क्या ढूंढना है, 2 डिग्री अमीन ढूंढना है स्ट्रक्चर में। तो जो 2 डिग्री अमीन होंगे वही स्ट्रक्चर दे देंगे, तो पहला वाला ही हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अमीन। NH लिखा हुआ है, बाइवेलेंट दिख रहा है। तो यहाँ से हमने निकाले 4 क्वेश्चन, लेकिन अगर हम सर हमने जो निकाले वो 5 या 6 साल से थे, जो अभी कमिंग थे। उसके आगे अगर हम बढ़े ना PYQ में, तो भी मुझे इन तीनों से, कार्बिल अमीन टेस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि कुल मिला के ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जाते जाते एक क्वेश्चन हो जाए तो हम पूछेंगे आपसे कि अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा दी एनिलीन से, तो किस कलर का कॉम्प्लेक्स मुझे मिलने वाला है, किस कलर का प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है। जरूर कमेंट करके बताएं, और ये आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।